Very good morning, student. I am Professor Jasmine Faraz. Again, welcome you on my channel. Today, we'll see journal lecture number 3, textbook illustration number 3, page number 66. So, open your page number 66. See here, they have given illustration. Journalize the following transaction in the books of Rajkumar Grocery Seller. So, पहले मैं एक दो आपको illustration सिखाऊंगी जो आपके books में explain किए हैं. उसके बाद मैं unsolved practical problem भी आपको जरूर सिखाऊंगी. Okay? So, let's start. 2019 अप्रैल दिया है तो ये कुछ दिए हैं सो एक एक करके हम लोग देखते हैं कैसे लिखना है. राजकुमार स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 2,50,000 देन बिल्डिंग 2 लाख एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश. राजकुमार ने बिजनेस स्टार्ट किया है उसके लिए उन्होंने कैश लेकर आई है बिल्डिंग 2 लाख एंड कुछ पैसे बोरोड भी किए हैं मिस्टर राकेश के. सो कौन कौन से अकाउंट आएंगे आप यहाँ पे देखो. व्हेनेवर वी स्टार्टेड द बिजनेस, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होगी तो आपको समझ में आए होगी. सो इसलिए प्लीज आप लाइन से सब वीडियो देखिए. ओके सो अगर आप न्यू हो तो मेरे प्ले लिस्ट पे जाइए 11 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वहां पे सर्च कीजिए आपको सब वीडियो वहां पे मिल जाएगी. ओके सो विल स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश. वन अकाउंट विल कम कैपिटल अकाउंट. सो यू कैन राइट राजकुमार कैपिटल अकाउंट. देन सेकेंड अकाउंट आएगा आपका स्टार्टेड विद द कैश. सो सी योर कैश अकाउंट आएगी. देन बिल्डिंग ऑल्सो. सो नेक्स्ट अकाउंट विल बी अ बिल्डिंग. After that, you have taken, that means Rajkumar has taken loan from the Rakesh. So, we'll write here loan from Rakesh or you can write Rakesh loan account. So, देखो कितने सारे हमारे पास अकाउंट आए हैं. ओके नाउ वंस यू गेट अकाउंट्स नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट टाइप्स ऑफ अकाउंट. सो कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट, बिल्डिंग इज अ रियल अकाउंट एंड राकेश इज अ पर्सनल अकाउंट. सो नाउ वी हैव टू अप्लाई रूल ऑफ दैट अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. यहाँ पे कैपिटल राजकुमार ने बिजनेस में दिया है सो हियर राजकुमार इज अ गिवर, क्योंकि हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, राजकुमार के नहीं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. तो बिजनेस में तो कैश आई है तो किसने दी है, हु इज द गिवर, here Rajkumar is the giver. So giver that means Rajkumar capital will go credit side. आपने अगर ये मेरे पहले वीडियो देखे होगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये. Next is the real account cash. Now assume करो cash फिर से business में आई है. So real account का formula debit comes in credit goes out. So here cash comes in. So we'll write here debit. So cash account will be debited. नेक्स्ट अगेन बिल्डिंग, बिल्डिंग भी बिजनेस में लेकर आए है सो अगेन कम्स इन. सो अगेन सेम रूल विल बी हियर डेबिट. एंड फाइनली राकेश लोन. अब सोचिए आप, राकेश इज द गिवर, राकेश ने भी पैसे दिए बिजनेस में सो राकेश इज द गिवर. पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पे राकेश का रोल क्या है, गिवर. सो गिवर मतलब क्रेडिट. तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये दो अकाउंट हमें क्रेडिट साइड में लिखने हैं और ये जो दो अकाउंट है ये हमें कहाँ पे लिखने हैं, डेबिट साइड में लिखने हैं. ओके सो वंस यू डिसाइड है कि क्या क्या लिखना है तो जर्नल एंट्री तो आसान है. कैसे लिखोगे आप देखो यहाँ पे, गुड्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें गुड्स एंड ये सॉरी कैश एंड बिल्डिंग हमें क्या करना है डेबिट में. सो अमाउंट भी लिखो, ऑलरेडी हियर गिवन 2,50,000 एंड 2,02,000. अब क्रेडिट में क्या लिखना है, सो टू कैपिटल अकाउंट टू राकेश लोन अकाउंट. राकेश का लोन कितना था, 50,000. राकेश का लोन 50,000 था, ये दोनों की अमाउंट 4,50,000 आती है. सो डेबिट माइनस क्रेडिट, तो जो बचेगा वो हमारा होगा कैपिटल. ओके देखो डेबिट, डेबिट की टोटल आती है 4,50,000 माइनस क्रेडिट, हमने क्रेडिट में क्या लिखा है 50,000, ये तो अमाउंट हमें पता है राकेश की. सो 50,000, सो हाउ मच लेफ्ट, 4,00,000. सो 4,00,000 विल बी अ कैपिटल. अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको कैपिटल का फॉर्मूला भी पता होगा. ओके असेट माइनस लायबिलिटी. सो असेट, दिस ऑल टू आर असेट. सो असेट माइनस
लायबिलिटी, राकेश लोन मतलब बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, सो असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा 4 लाख कहाँ से लिए हमने. ओके नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. डिपॉजिटेड कैश इन टू द बैंक, वेरी इजी. विच टू अकाउंट विल कम हियर, डिपॉजिट किया है सो वन अकाउंट विल बी अ कैश अकाउंट एंड अनदर विल बी अ बैंक अकाउंट. कैश इज अ रियल अकाउंट, सो सी हियर, राइट हियर, कैश इज अ रियल अकाउंट एंड बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट. नाउ रियल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट कम्स इन, सो आपने यहाँ पे क्या किया है, कैश डिपॉजिट इन टू द बैंक. सो आप इमेजिन करो आपके हाथ में पैसे और आपने बैंक में जाके डिपॉजिट किया है, सो हियर कैश गोज आउट फ्रॉम यू, सो इट विल बी अ क्रेडिट. एंड हियर पर्सनल आपने किसको दिया है, बैंक को, सो हियर बैंक इज द रिसीवर. सो रिसीवर का फॉर्मूला क्या है, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, सो हियर डेबिट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. परचेस अ कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेस 30,000 जीएसटी. सी हियर अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही जीएसटी कैलकुलेशन देखा है, तो 30,000 पे आप कैलकुलेशन करो, यहाँ पे कितना आएगा 30,000 पे कैलकुलेशन, सो 30,000 पे कितना परसेंट करना है हमें, 18%, तो इट कम्स 5,400. और ये 5,400 हमको सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड करने हैं. नाउ परचेज किया है तो हम इसको क्या कहेंगे, इनपुट जीएसटी, क्योंकि जब भी हम परचेज करते हैं तो इसको हम इनपुट कहते हैं. एंड हियर पेड बाय द चेक, सो सी हियर पेड बाय द चेक मतलब कौन सा अकाउंट आएगा, बैंक. सो अब मुझे अकाउंट बताओ कौन कौन से आएंगे. फर्स्ट इज अ कंप्यूटर अकाउंट, सेकेंड इज पेड बाय इमीडिएटली चेक. इसका मतलब ये क्रेडिट बेसिस नहीं है, अगर क्रेडिट बेसिस नहीं है तो नो नीड ऑफ दिस ब्रिजेश नेम, यहाँ पे इनका जरूरत नहीं है हमें इनका नाम लिखने की, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट नहीं है. अगर क्रेडिट होता तो हमने ब्रिजेश का नाम लिखा होता. सो नेक्स्ट अकाउंट विल बी अ पेड बाय चेक मीन्स बैंक अकाउंट विल कम. एंड नेक्स्ट जीएसटी, जीएसटी भी कौन सा जीएसटी, वन सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, ठीक है. सो नाउ सी हियर, कंप्यूटर इज अ रियल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, दिस टू आर अ नॉमिनल अकाउंट. नाउ अप्लाई द रूल, कंप्यूटर परचेज किया है सो कम्स इन, सी हियर इट्स अ ओके. सो आई होप आपको समझ में आया है कि क्या करना है हमें, ये हमें एंट्री इनपुट लिखना है. ओके डन, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. नरेशन लिखो, बीइंग परचेस्ड हमें 5,400, देखो 30,000 कंप्यूटर ये ऐड किया, एंड फाइनली ऑल दिस टोटल्स हियर, ऑल दिस टोटल 35,400 शुड बी गेट टैली डेबिट एंड क्रेडिट. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. कैश सेल्स 90,000. नाउ हियर सिंपली दिया है जो भी सेल किया है आपने कैश बेसिस पे किया है, सो वन अकाउंट विल कम कैश एंड अनदर विल कम सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आपने गुड सेल्स किया है, तो जब भी आप गुड सेल करते हो यू कैन राइट परचेस अकाउंट सेल्स अकाउंट, सो सेल्स अकाउंट हियर. सो कैश सेल किया है दैट मीन्स आपने कुछ गुड सेल किया है, सो कैश कम्स इन, सो इट विल बी अ डेबिट. एंड सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट सो इनकम फॉर यू, सो नॉमिनल इनकम हम लिखते हैं क्रेडिट में. नो मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड बिकॉज ऑलरेडी ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है. अब प्रीवियसली प्लीज सब वीडियो लाइन से देखो तो आपको समझ में आएगा, वेरी इजी. Goods sold on a credit to Ganesh 10,000 at 5% trade discount. Now again आपने goods sold किया है, so one account will be a sales account. Now लेकिन आपने credit किया है, मतलब उधारी पे सेल किया है, कैश नहीं. तो जब उधारी पे सेल करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जिसको भी सेल किया है उसे क्या लिखना होता है, उसका अकाउंट नाम लिखना होता है, ठीक है. सो वन अकाउंट विल बी अ गणेश अकाउंट.
एंड ट्रेड डिस्काउंट एज यू नो वी नेवर शो ट्रेड डिस्काउंट इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट. तो आप सोचोगे यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये डिस्काउंट अकाउंट ट्रेड दिया है. ठीक है, अगर यही कैश डिस्काउंट होता तो एक अकाउंट डिस्काउंट भी आता, बिकॉज वी ऑलवेज शो कैश डिस्काउंट इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट बट वी नेवर शो ट्रेड डिस्काउंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट. तो सिर्फ दो अकाउंट यहाँ पे आएंगे. हाँ, कैलकुलेशन जरूर होगा. तो कैलकुलेशन क्या होगा आपका, 10,000 पे 5%, सो डिवाइडेड बाय ऑलवेज 100, परसेंट डिनोट्स 100. ओके, सो सी हियर दिस टू जीरो गोज, सो इट्स कम 500. तो डिस्काउंट हमने कितना दिया, 500. तो एक्चुअल हमारा सेल्स कितना, 9,500. सो विल मेंशन द अमाउंट बट विल नॉट मेंशन द डिस्काउंट अकाउंट. सो गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बी सोल्ड. सो हियर गणेश इज द रिसीवर एंड सेल्स इज अ इनकम फॉर अस. सो रिसीवर एंड इनकम, देखो उसका फॉर्मूला क्या है. आपका फॉर्मूला अभी तक याद होना चाहिए, रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, पर्सनल नॉमिनल क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए. ओके, सो बीइंग गुड्स सेल्ड. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, गणेश रिटर्न द गुड्स. अब गणेश ने रिटर्न किया है, वेरी सिंपल. जब हम सेल्स करते हैं तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, जब गुड्स रिटर्न आता है तो उसकी जगह पे हमें रिटर्न इनवर्ड लिखना है. ओके, एंड हु इज द गिवर, मिस्टर गणेश इज द गिवर. सो टू अकाउंट आएंगे, रिटर्न इनवर्ड्स एंड गणेश अकाउंट. नाउ रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो हमने गुड्स सेल्स की थी इसको ही हम सेल्स रिटर्न कहेंगे. ओके, सो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स आर अ नॉमिनल अकाउंट एंड गणेश इज अ पर्सनल अकाउंट. सो आप यहाँ पे सोचो गिवर कौन है. सो कोई भी एक भी चीज हमें मिल गई, डेबिट या क्रेडिट, तो दूसरी ऑटोमेटिकली ऑपोजिट ही होती है. सो सी पर्सनल, अब एज्यूम करो गणेश ने रिटर्न किया है, सो हियर गणेश इज द गिवर. तो गिवर मतलब क्रेडिट, अगर ये क्रेडिट है तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, डेबिट होगा. अगर रूल अप्लाई करोगे नॉमिनल का तो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आपका तो ये थोड़ा बहुत लॉस हो गया है, रिटर्न किया उसने, जो हमने सेल किया था वो उसने वापस किया, कुछ डिफॉल्ट होगा, कुछ तो मिस्टेक होगी गुड्स में, तो क्या किया उन्होंने, वापस किया है. सो डेबिट टू गणेश. सो सी नरेशन अमाउंट 950 का रिसीव्ड किया है. सो गुड्स रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड के जगह पे आप सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ विल सी गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर पर्सनल यूज. अब ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, पर्सनल यूज मीन्स ऑफ कोर्स वन अकाउंट विल कम ड्रॉइंग अकाउंट. ओके, जब भी पर्सनल यूज ये वर्ड होगा, कोई पर्सनल यूज के लिए अगर किया होगा पैसे का इस्तेमाल, सो दैट इज कॉल्ड पर्सनल यूज. और क्या लिया है, गुड्स. सो नेक्स्ट अकाउंट विल कम गुड्स टेकन बाय राजकुमार, या यू कैन राइट ओनली गुड्स. सो ड्रॉइंग मतलब क्या, पर्सनल अकाउंट है, गुड्स इज अ रियल अकाउंट. सो गुड्स आप बिजनेस से लेकर गए हो, सो गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो दिस विल बी अ क्रेडिट. अगर ये क्रेडिट है तो ये होगा ऑफकोर्स डेबिट. कैसे डेबिट, यहाँ पे राजकुमार ने लिया है, राजकुमार इज द रिसीवर. अच्छा, और एक एक मजेदार ट्रिक बताओ आपको कैसे याद रखना है, आपको ये ज्यादा नहीं करना है. तो जब भी ड्रॉइंग आएगा ना, डी फॉर ड्रॉइंग एंड डी फॉर डेबिट, ड्रॉइंग हमेशा 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 डेबिट ही रहेगा. ओके, तो ये ट्रिक आप याद रखो थोड़ी, ड्रॉइंग की. कैपिटल की भी वैसी ही रहेगी, कैपिटल सी फॉर कैपिटल एंड सी फॉर क्रेडिट. तो कैपिटल हमेशा ना क्रेडिट में ही रहेगा. देखो आप कोई भी कितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई भी टेक्स्ट बुक देखो, कोई भी और कोई पब्लिकेशन देखो, यही रहेगा. ओके, सो कुछ कुछ ट्रिक ना आप इजीली फटाक से करने के लिए याद रखना है. ओके, ऑफकोर्स रूल भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में अगर कहीं किसी ने पूछा तो आपको रूल भी पता होने चाहिए. बट दिस इज अ ट्रिकी, एग्जाम में फटाक से लिखने के लिए हमें काम आएगा. ओके, सो ड्रॉइंग अकाउंट, सो व्हाट विल बी द एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स. You can write goods withdraw by proprietor also. Book में ऐसे पूरा सा दिया है, but no problem. You can write goods also. No problem. ठीक है? So being goods taken for personal use. Narration is very simple. बस इसको ही हमको थोड़ी सी कट छाट करके हमें वही शॉर्टकट लिखना है.
Now we'll move next. Pay telephone charges 500 and taxi fare 200. Both are expenses. So दोनों expenses के नाम लिखो. अगर ये personal use होता तो हमने ये telephone expenses, taxi expenses इसका नाम नहीं लिखा होता. फिर वहां पे हमने directly drawing लिखा होता. यही अगर दिया होता for a personal use. ठीक है, पर्सनल यूज अगर ऐसे दिया होता तो ये अकाउंट के नाम ही नहीं लिखे होते, इसके जगह पे आया होता ड्रॉइंग अकाउंट. ओके, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसे कुछ दिया नहीं है पर्सनल अकाउंट, सो ड्रॉइंग विल नॉट कम. तो सिंपल सा ये चार्जेस के नाम आएंगे. दिस इज एक्सपेंसेस एंड वी पेड द कैश व्हेनेवर दे गिव पेड. सो एक अकाउंट आएगा कैश, कैश गोज आउट, सो कैश विल बी क्रेडिट. तो ऑफ कोर्स ये एक्सपेंसेस क्या हो गए, डेबिट. नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस. देखो कितना आसान है. ओके, वेरी सिंपल. चार्जेस कन्वेंस अकाउंट, कन्वेंस मतलब टैक्सी फेयर, तो आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो. अगर आपको ये कन्वेंस अकाउंट डिफिकल्ट लग रहा है तो यू कैन राइट हियर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. ओके, एंड कैश गोज आउट. वेरी सिंपल. अगर यही पर्सनल यूज होता तो ये दोनों के जगह पे हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा होता, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. We'll see the next. Pay transport charges. Again GST दिया है, so आपको GST आप calculate करो. So what entry will come? Transport account debit, GST account debit, as GST account debit to cash account. Very simple. 5000 पे 5% निकालो आप. Calculation अब मैंने अच्छे से सिखाया है आपको. Last lecture अब फिर से एक बार GST का देख लो मेरा. तो 100% it's come 250, ये 250 सेंट्रल और स्टेट कोर में डिवाइड करो, इट्स कम 125. टेलीफोन चार्जेस आर अ नॉमिनल अकाउंट, दिस आल्सो आर अ नॉमिनल अकाउंट, सो ऑल आर एक्सपेंसेस, इसलिए ये सब डेबिट आए हैं टू कैश. कैश पेड की, टोटल कैश हमने पेड की 5250. सो बीइंग ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंक्लूड जीएसटी. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया जीएसटी. अगर नहीं है तो इसका प्रीवियस वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल है. नेक्स्ट 24 ऑडिट फी पेड बाय द चेक. वेरी सिंपल, ऑडिट फी तो एक अकाउंट आएगा ऑडिट फी, और पेड किया है हमने लेकिन चेक से किया है. अगर कैश से किया होता तो कैश अकाउंट आता, बट चेक से किया है दैट मीन्स एक अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट और दूसरा आएगा ऑडिट फी. ठीक है, नाउ आप डिसाइड करो ये कौन सा अकाउंट है. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, ऑडिट फी इज अ नॉमिनल अकाउंट. सो हियर आपने पेड किया है, मतलब यहाँ पे बैंक ने गिवर का काम किया है, सो बैंक विल कम क्रेडिट. नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, आपको पेड करना है, सो दिस विल बी अ डेबिट. सो ऑडिट फी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बींग पेड फॉर ऑडिट फी. You can write here only bank account also, but उन्होंने previously दिया है कि उनकी bank देना है, so extra भी लिख सकते हो देना bank account debit. Okay, 26 now, purchase furniture 70,000 and amount paid by check 12% GST. Again आपने purchase किया है furniture, so one account will come furniture. Second आपने check से paid किया है, so दूसरा account आएगा bank account. So see here furniture account, second will be a bank account. And of course, CGST and SGST. So, इतने account आएगे. So, आप rule apply करो. I hope आपको अब ये GST का ज़्यादा explanation की ज़रूरत नहीं है. Bank is the giver. It's come 78,400. Now, I think this is the last entry. Sold motor car, GSTs and credited to account. Of course, इसका ही मतलब credited to our मतलब क्या, received by NEFT. शायद उन्होंने online transfer किया रहेगा, but किया तो bank में ही ना, तो एक account आएगा bank. ठीक है, so bank is the receiver. हमने sold किया है motor car, motor car goes out, उस पे GST, उसमें भी हमको 9% GST किसको देनी है, center को और state को. So see, very simple. देना बैंक यहाँ पे रिसीव हुआ है, बैंक में हमारे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर हुए हैं, सो हियर बैंक इज द रिसीवर. मोटर कार गोज आउट, उसके साथ आउटपुट भी, सी हियर 9000. ठीक है, हमने सोल्ड किया है, सो दिस आर अ नॉमिनल अकाउंट. फॉर्मूला यूज करो, वेरी सिंपल. नाउ पेड कैश टू कविता,
15,500, who allowed us discount 500, very simple, हमने cash paid की है कविता को, तो देखो कविता account, कविता is the receiver, okay, कितनी paid की है हमने, 15,500, who allowed us discount, तो उसने हमको discount दिया है, तो actually, देखो, हमने paid कितना किया है, cash goes out, but हमने सिर्फ 15,500 किया है, so 15,500, और 500 उन्होंने बोला डिस्काउंट, सो हमको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पे हमको रिसीव्ड हुआ है, दैट मींस इनकम, सो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम, सो यहाँ पे इनकम आया है 500, ओके, एंड हमने ये कितना पेड किया है 15,500, तो टोटल दोनों की टोटल कविता, तो एक्चुअली कविता को हम 16,000 देने वाले थे, बट इतना पेड किया 500 डिस्काउंट मिला, तो आई होप आपको ये समझ में आया है, तो अगर अगर आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।